राइट सर, स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूज के साथ। तो भाई कल यहाँ पे विराट कोहली की यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी एक और न्यू प्लेयर के साथ। तो गौतम गंभीर और नवीन ओलख के बाद उनकी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई है सुनील गावस्कर के साथ। एंड सुनील गावस्कर अब क्रिकेट भी नहीं खेलते, फिर भी उनके साथ कंट्रोवर्सी होगी। सो मेन क्वेश्चन आता है कि भाई सुनील गावस्कर के साथ कैसे कंट्रोवर्सी होगी। सो मैं आपको बताता हूँ, ये सब स्टार्ट हुआ था आरसीबी का पिछले गेम से। सो लास्ट गेम जो था वो आरसीबी जीत चुकी थी, एंड उस गेम को जीतने के बाद यहाँ पे विराट कोहली का एक पोस्ट इंटरव्यू आता है जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे काफी लोग बात करते हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत कम है स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं अपनी टीम के लिए गेम जीतूं, दैट्स इट। नाउ ये जो इंटरव्यू हुआ था वो लास्ट से लास्ट गेम में हुआ था आरसीबी के, बट यहाँ पे कल भी यहाँ पे आरसीबी का मैच था। नाउ कल का मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आरसीबी जो है वो विराट कोहली का ये पोस्ट इंटरव्यू बहुत बार चलाता है अपने चैनल के ऊपर, एंड इतनी बार चलाता है कि यहाँ पे सुनील गावस्कर को ना यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। एंड सुनील गावस्कर यहाँ पे लाइव कमेंट्री करते टाइम ही यहाँ पे कुछ ये बोलते हैं कि हमने विराट कोहली का इंटरव्यू ना पिछले से पिछले गेम में देख लिया था, लेकिन इस मैच के स्टार्ट होने से पहले भी स्टार स्पोर्ट्स ने इतनी बार चला दिया ये विराट कोहली का इंटरव्यू, मतलब आधा दर्जन से ज्यादा बार चला दिया है। और भाई स्टार स्पोर्ट्स को समझना चाहिए कि कब कौन सी चीज दिखाई जानी चाहिए। और तुम लोग पूछते हो कि भाई क्रिटिक्स कहां है, तो भाई कमेंटेटर ही क्रिटिक्स होते हैं। और यहाँ पे बाद में वो विराट कोहली के बारे में बात करते हैं जहां पे वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 का है और तुम आके पहली बॉल खेलते हो और जाके फिर सीधा 14th या 15th ओवर में आउट हो जाते हो सिर्फ 118 के स्ट्राइक रेट से, और फिर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ भी करें, तो भाई ये बहुत ही मुश्किल है। बट स्टार स्पोर्ट्स ने तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी कर रखी है, क्योंकि वो बार बार वो इंटरव्यू दिखाया है जहाँ पे उनके कमेंटेटर को इंसल्ट वगैरह करा जा रहा है, और उनके हिसाब से ये अच्छी चीज नहीं है। और स्टार स्पोर्ट्स को ये समझना चाहिए कि भाई तुमने ऑलरेडी वो इंटरव्यू बहुत बार चला दिया है और सबको ये मैसेज मिल चुका है। और भाई हमने भी क्रिकेट खेली है, मानते कि इतनी क्रिकेट नहीं खेली बट हमें भी पता है, और हम वही बोलते हैं जो हमें दिखता है। और ऐसे नहीं है कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं या फिर हम किसी को डिसलाइक करते हैं, हम सिर्फ उन चीजों पे बोलते हैं जो कि हमारे आंखों के सामने सच में हो रही है। एंड अगर स्टार स्पोर्ट्स फिर से एक और बार इस इंटरव्यू को दिखाते ना, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होऊंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम अपने कमेंटेटर्स के अगेंस्ट यहाँ पे चीजें चला रहे हो। एंड ये चीजें सब कुछ यहाँ पे लाइव हुई थी टीवी के ऊपर, एंड इसके बाद क्या था भाई, फैंस यहाँ पे डिवाइड हो गए। कुछ लोग यहाँ पे गावस्कर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ये दोनों ट्रेंड भी हो रहे थे यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे गावस्कर के सपोर्टर्स कुछ ये बोल रहे थे, गावस्कर से पंगा नहीं विराट कोहली, हमने लाइव देखा बैटिंग करते और खेलते गावस्कर को, विराट इज नॉट इवन इन द लीग टू बी कंपेयर्ड विद गावस्कर, बी रिस्पेक्टफुल, डोंट बी सो हाई हेडेड विराट कोहली। एंड कुछ लोग यहाँ पे विराट कोहली को भी सपोर्ट कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली ये पंगा हुआ है तो कुछ लोग यहाँ पे मीम भी बनाएंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वेल, आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है आने वाले 2 महीने के अंदर T20 वर्ल्ड कप के लिए। बट भाई यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग चीज ये आई है कि भाई इस मैच की जो प्राइस टिकट है ना वो लिटरली डबल हो चुकी है, क्योंकि जो पहले टिकट 80,000 या 1,00,000 की मिल रही थी अब वो यहाँ पे 2,00,000 के आसपास की मिल रही है। तो भाई इतनी महंगी टिकट के प्राइस पे कौन देखने जाएगा यार, सारे अमीर लोग दिखेंगे हमें क्रिकेट ग्राउंड में। वेल, आप देखने चाहोगे कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुणे सुपरस्टार के बारे में। तो भाई फुकरा इंसान के बाद यहाँ पे लॉर्ड पुणे सुपरस्टार ने ट्रोल कर दिया यहाँ पे UK07 राइडर को, एंड ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोगों को लग रहा है। एंड कुछ लोग सोच रहे कि भाई यहाँ पे एल्विस को भी ट्रोल करा गया इनडायरेक्टली। सो बेसिकली पुणे सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ये रील डाली थी और कैप्शन में लिखा था किराई की गाड़ी में हवाबाजी, एंड उसके नीचे फिर लोग कमेंट करके ये लिखते कि भाई टारगेट करा गया यहाँ पे UK07 राइडर को। कुछ लोग यहाँ पे जोकर एंड स्नेक भी बनाते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे टारगेट करते हुए UK07 एंड एल्विस यादव को। एंड पुणे सुपरस्टार की बात करिए तो उनके कमेंट सेक्शन में हमेशा नाइस लिखने वाले थारा जोगिंदर के ऊपर भी कल कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए। एंड ये एलिगेशंस यही थे कि भाई थारा भाई जोगिंदर के रिसेंटली इंस्टाग्राम रील पे ना बहुत ही ज्यादा ये चल रहा है कि उनकी बहन की शादी का बहुत ही ज्यादा शो ऑफ हो रहा है अकॉर्डिंग टू कुछ लोग, इसलिए कुछ लोग उनको एक्यूज कर रहे थे कि भाई आप बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो अपनी बहन की शादी का। तो इसका रिप्लाई करते हुए थारा भाई जोगिंदर कुछ ये बोलते हैं, बहुत से लोग ये वाली बात बोल रहे हैं कि जोगिंदर भाई तो अपनी बहन की शादी कर रहा है या हवाबाजी दिखा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त था मैं सुबह 4 बजे उठता और रात के 8 बजे अपने घर आता, टेम्पू चला के मैं सवारी को इधर से उधर ड्रॉप करता और दिन के 100 रुपये कमाता, फिर रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट करता था गार्ड की नौकरी ATM पर। मेरी मम्मी गाय का दूध बेच के पैसा कमाती थी, इतनी गरीबी देखी है मैंने, लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे कर पाऊंगा। आज मैंने यह घर बनाया है और आज मैंने अपनी बहन की शादी किया है, कौन सा भाई नहीं चाहता कि वो अपनी बहन की शादी धूमधड़ाके से करे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइफ में इतना पैसा कमाना अपनी बहन की शादी धूमधड़ाके से करे। मेरे पापा नहीं थे तब मैं 2 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और बस यही कहना चाहूँगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो, माँ बाप को खुश रखो, बहन की शादी करो, और तुम भी अपने मम्मी पापा को एक अच्छा घर बना दो ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को गर्व हो,
कि मेरे बेटे ने अपनी बहन की शादी किया है और इतना अच्छा घर बना के दिया है। जय श्री राम। मतलब यार कोई अपनी बहन की शादी भी सेलिब्रेट ना करे, मतलब हद होगी यार। उधर अंबानी फैमिली ने पूरी इंस्टाग्राम रील पे भाई जीना आराम कर दिया था, तब तो कुछ नहीं। और वो अंबानी फैमिली फिर से तैयार है, मेरे ख्याल से जून जुलाई के अंदर फिर से हमारी पूरी इंस्टाग्राम फीड उसी से भरने वाली है। एंड ये इंस्टाग्राम की हवाबाजी एंड शोफ की बात हम कर रहे थे, तो भाई कल इसी हवाबाजी और शोफ के चक्कर में ना यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर की डेथ हो गई। सो बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंसर है वो इक्वाडोर अरे भाई मुझे नहीं पता, इस कंट्री के हैं बेसिकली। तो इनका नाम यहाँ पे landypraga.ec लैंडी प्रागा है अरे यार ओके, इनका नाम यहाँ पे लैंडी प्रागा है। तो इनके ऊपर पहले से बहुत एलिगेशन लगे थे करप्शन वगैरह के, एंड लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे थे ऑलरेडी। एंड इसके बाद क्या होता है, ये कल कहीं पे घूमने गई थी एंड उस चीज की फोटो जो है ना वो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल देती है, एंड लोग उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख के ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई वो कहाँ पे है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे दो बंदे आते हैं लेके एंड सीधा कर देते हैं, एंड इसकी वजह से रेस्ट इन पीस। वेल आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम बात करने वाले हैं स्काउट वर्सेस हार्टस्कोप की कंट्रोवर्सी के बारे में, या फिर ये बोलना चाहिए स्काउट वर्सेस हार्टस्कोप के मोड की कंट्रोवर्सी के बारे में। और मैं जो है बीजीएमआई से कितना भाग लूं पता नहीं, घूम फिर के वो आई कैसे जाता है मेरे पीछे। सो इन शॉर्ट मैं आपको एक कंट्रोवर्सी बता देता हूं कि क्या हुई है। सो स्काउट की यहां पे बीजीएमआई टीम है, टीम एक्स पार्क एंड टीम जीरो। नाउ इन दोनों को यहां पे बीजीएमआई जो गेम है उसके टूर्नामेंट का स्लॉट मिल जाता है, बट हार्टस्कोप जो कि एको क्रिएटर है उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे उन्होंने बोला था कि इनकी टीम डिजर्व नहीं करती है स्लॉट, इनसे बेटर और भी अंडरडॉग्स टीम है जो कि ये स्लॉट डिजर्व करती है। एंड स्काउट फिर उसके रिप्लाई में ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी का स्लॉट नहीं खा रहा। नाउ हार्टस्कोप का एक मोड होता है जो कि यहाँ पे अब्यूज कर देता है काश्वी को जो कि एको क्रिएटर है, एंड जब स्काउट को इस चीज के बारे में उनकी लाइव स्ट्रीम पे पता चलता है तो वो कुछ ये बोलते हैं, कोई ना कोई चूते आता है, दिक्कत दिख जाता है कोई ना दिक्कत। अभी सिंपल सी बात है, मेरे को मॉड से बताया जिसने अब्यूज किया उसको, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं गाइस, जिस मॉड ने उधर अब्यूज किया है उसको मैं लाइव यूट्यूब हो या इंस्टा कहीं पे उसको लाइव लाके चाटे ही चाटे मारूंगा और स्ट्रीम पे बुलवाऊंगा सॉरी। ये मेरी वर्डिंग है, जिस मॉड ने भी अब्यूज किया काशी को, और अभी जरा स्क्रीनशॉट मेरे को दे देना अगर आप लोग मेरे को दे सकते हो तो, मॉड स्पेशली, बट गारंटी मेरी तरफ से उस मॉड को लेके आऊंगा मैं इंडिया के किसी भी कोने में, उसका मुंह तोड़ूंगा मैं स्ट्रीम पे बिठा के और सॉरी बुलवाऊंगा। एंड अगर आपको बीजीएमआई का बिल्कुल आइडिया नहीं तो सिंपली बोलूंगा ये हर बार का सीन है भाई। वेल आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ बात करने वाले रजत दलाल के बारे में, तो भाई रजत दलाल ने कल यहाँ पे एक बंदे के ऊपर 50 लाख रुपए का केस कर दिया। सो ये केस किसके ऊपर हुआ है, तो ये केस हुआ है यहाँ पे जॉय ज्योति के ऊपर। एंड अगर आपको इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कवर कर रखा है कि इन दोनों की यहाँ पे बीफ चल रही थी। एंड ये बीफ ऐसी थी कि भाई जॉय ज्योति ने एक बार चैलेंज भी कर दिया था रजत दलाल को 1v1 मैच के लिए, बट रजत दलाल ने कभी उस चीज का रिप्लाई नहीं दिया। रजत दलाल ने बोला था कि भाई वो लीगली यहाँ पे कंप्लेन करेंगे, बट कल फाइनली उन्होंने इस चीज के ऊपर साइन भी कर दिया एंड कुछ ये इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। तो भाई ये मैंने मूत दिया तुम्हारे जोय ज्योति पे 50 लाख का, जा लाइव बोल जा, बहुत दिन प्यार से संभाला था। बट मेन बात आती है कि रजत दलाल ने इस चीज के ऊपर कल ही एक्शन क्यों लिया, तो इसका रीजन यहाँ पे ये पता चला कि परसों के दिन जॉय ज्योति जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ये रील डालते हैं जहाँ पे वो इंडायरेक्टली रजत दलाल को भी ट्रोल करते हैं, इवन नकल हेड वॉरियर को भी ट्रोल करते हैं, और क्या बोलते हैं आप लोग सुन सकते हैं। अभी 5 लाख पुशअप के बाद 10 लाख स्क्वाट लगाऊंगा, ये मेरा वार्म अप है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज पुश पुश योर लिमिट, पेकू इन्फ्लुएंसर सरो मैं तेरे पे, खुद को बॉक्सर बताता है और खुद दूसरे के पैरों पर वीडियो कॉल पर गिर गिराता है। एंड रजत दलाल के केस करने के बाद जॉय ज्योति कुछ यहाँ पे ये बोलते हैं, 50 लाख हा 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 हा, आजा देख लेता हूँ तेरे को हा 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 हा। एंड यहाँ पे रजत दलाल और नकल हेड वॉरियर की बात हो रही है, तो भाई रजत दलाल का मेरे ख्याल से ना कल सपना पूरा हो गया और वो सपना हनुमान चालीसा सुनने का था। तो आपको पता ही कि इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी यहाँ पे नकल हेड वॉरियर के साथ, एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी के रिस्पॉन्स में नकल हेड वॉरियर ने सॉरी बोल दिया था एंड एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी गलती है। बट सीन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कल रजत दलाल एक और वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पे वो नकल हेड वॉरियर से बोलते हैं कि भाई मुझे पूरी हनुमान चालीसा सुना। बट वीडियो आगे देखने से पहले खुद ही बताओ कि आपको लगता है नकल हेड वॉरियर ने पूरी हनुमान चालीसा सही सुना दी होगी। आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट में बताना। अब आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि क्या हुआ था। चल भाई हनुमान चालीसा स्टार्टिंग से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर उदार।
आंख बंद करके, आंख बंद करके। ओए गलत है, फिर से। कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल आगे थोड़ा सा बीच में थोड़ा। तू तो 300 बार गाता है। 100 नहीं, सहस बदन तुमरो यश गावे, सहस बदन तुमरो यश गावे, अष्टमी श्री पर क्या था आगे थोड़ा वो। तू 100 बार गाता है भाई, ओ भाई। युग सहसत्र, युग सहसत्र योजन पर भानु, भाई बोल मत। प्रभु मुद, प्रभु मुद्रिका, फंस गया नकल हेड वॉरियर। ना 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 बेटा, इन चीजों में मजाक नहीं है। और मनोरथ, गलत बेटा, वापस। साधु संत, अंतकाल रूपर जाई, पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। देख चल, तूने कैसे भी सुनाई तूने सुना दी, पर ये 100 बार दिन में गाने वाले की स्पीड नहीं है। एंड इसके नीचे नकल हेड वॉरियर यही कमेंट करते हैं, अरे ये तो प्रैंक हो गया, बाय द वे इट वाज फन टॉकिंग टू यू भाई। एंड यहाँ पे रजत दलाल ने एक और बंदे की वीडियो शेयर कर रखी थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने पूरे जाट समाज का मजाक बना दिया। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोत्र होता है रंधावा, और उस शब्द को यूज करके मैंने जो जोक बनाया था रंधावा जी वाला, पूरे जाट समाज से मैं माफी चाहता हूँ। मेरा नाम मान बिहारी पांडे है, और मैं जाने अनजाने में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस तरह से मैं जाट समाज का दिल दुखा दूंगा। जाट समाज से मेरी बहुत फटती है, माँ कसम बता रहे हैं, रजत दलाल है ना। बाकी मेरे भाई इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपके पास कोई न्यूज है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां पे आके दे सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।